नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते होंगे, माँ भगवती ने महिषासुर का वध किया था और भगवान श्री राम ने रावण का वध किया। इस दिन को हम दशहरा या विजयादशमी के रूप में मनाते हैं। इस दिन विशेष रूप से हथियार और औजारों की पूजा की जाती है और ये दिन असत्य पर सत्य के जीत का दिन भी कहलाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं उल्लेख करना चाहूंगी रावण वध से जुड़े एक रोचक प्रसंग का। लेकिन शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको नित नई जानकारी लगातार मिलती रहे। तो विषय ये है कि भगवान श्री राम बार बार रावण का सिर काटते रहे, लेकिन उन्होंने रावण के हृदय पर बाण नहीं मारा। कारण जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। भगवान राम और रावण के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। श्री राम जैसे ही रावण के शीश काटते, एक और शीश रावण के सिर पर आ जाता। श्री राम ने रावण के 10 सिरों और भुजाओं में 10-10 बाण मारे, लेकिन वे फिर नए हो गए। ऐसा उन्होंने कई बार किया, लेकिन रावण को मार पाने की कोशिश हर बार नाकाम हो जाती थी। ये बात देखकर देवताओं के मन में सवाल आया कि भगवान राम ने रावण के कई सिर और हाथों को काटकर फेंक दिया, परंतु उन्होंने रावण के हृदय पर आखिर बाण क्यों नहीं चलाया। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि रावण के हृदय में सीता जी का वास है और सीता जी के हृदय में राम जी का, और राम जी के हृदय में सारी सृष्टि बसती है। अगर राम जी रावण के हृदय पर तीर चलाएंगे तो सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने आगे बताया कि जैसे ही रावण के हृदय से माता सीता का ध्यान हटेगा, वैसे ही श्री राम रावण का संहार करेंगे। इस बात की जानकारी जब विभीषण को मिली तो उन्होंने रावण के नाभि में मौजूद अमृत के बारे में बताया और उस पर प्रहार करने को कहा। तभी भगवान राम ने रावण की नाभि पर तीर चलाकर उसका अमृत सुखा दिया। नाभि में मौजूद अमृत सूखने के बाद रावण का मन जरा विचलित हो गया और उसके हृदय से पल भर के लिए माता सीता से मन हट गया। और तभी भगवान राम ने अगस्त्य मुनि द्वारा दिए गए ब्रह्मास्त्र से रावण के हृदय पर प्रहार कर उसका अंत कर दिया। इसके बाद युद्ध जीतकर सीता जी को मुक्त करवाया। रावण वध के इसी दिन को हम सब दशहरा या विजयादशमी कहते हैं। दोस्तों, विद्वानों के अनुसार लंकापति रावण परम ज्ञानी, कुशल राजनीतिज्ञ और बहु विद्याओं का जानकार था। भगवान राम के साथ युद्ध में उसकी मौत हो गई और मोक्ष को प्राप्त हुआ। रावण जानता था कि माता सीता लक्ष्मी स्वरूपा हैं। रावण माता सीता को हरण इसलिए करके लाया था ताकि भगवान राम द्वारा उसकी मुक्ति हो जाए और पापों का अंत हो। अधर्म पर धर्म की जीत, अन्याय पर न्याय की विजय, बुरे पर अच्छे की जय जयकार, यही है दशहरा का त्योहार। दोस्तों, आपको और आपके पूरे परिवार को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने रिश्तेदारों से और दोस्तों से शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।